आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिद्धार्थनगर में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा। कहा, तैयारियों को रखे चुस्त दुरुस्त, न होने पाए कोई चूक। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कृषि विभाग में नव नियुक्त 1863 प्राविधिक सहायक ग्रुप सी को नियुक्ति पत्र का किया वितरण। जनपद में स्थानीय विधायकों ने 101 नव नियुक्त प्राविधिक सहायक को दिया नियुक्ति पत्र। कहा, ईमानदारी से मिली है नौकरी तो ईमानदारी से अपने दायित्वों का करें निर्वहन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने किया निर्वाचन कार्यों की समीक्षा। मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ नए वोटर बनाने के दिए निर्देश। युवक को महंगी पड़ी शादीशुदा महिला से आशिकी। महिला के बेटे के अपहरण के आरोपी प्रेमी को चौरी चौरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। अपहृत बच्चे को शाकुशल किया बरामद। उसके पिता को किया सुपुर्द। SP नॉर्थ ने किया सनसनीखेज खुलासा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर के लोकार्पण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशीनगर आगमन पर सम्राट अशोक के द्वारा संग्रहित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को श्रीलंका को किया गया विदा। सुरक्षा के रहे व्यापक प्रबंध। मंडलायुक्त व GDA अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई GDA बोर्ड की बैठक। ग्रुप हाउसिंग के 3 प्रोजेक्ट को सर्वसम्मति से मिली मंजूरी। दीपावली तक लॉन्च होने की है उम्मीद। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की कार्यशाला। कायाकल्प, नई शिक्षा नीति सहित अन्य योजनाओं की दी गई जानकारी। 24 अक्टूबर को गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का नगर आयुक्त ने किया निरीक्षण। संबंधित अधिकारियों को समय से कार्यों को पूरा करने के दिए निर्देश। नेपाल बॉर्डर से देश के भीतर हो रही तस्करी के रोकथाम के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो IPS मनोज कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ कार्यशाला। तस्करी पर रोकथाम पर हुई चर्चा, बनी रणनीति। शुक्रवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 209 केंद्रों पर 27,441 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,954 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 15,487 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं कोविड का सेकेंड डोज, रहे सुरक्षित। और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग को लेकर अटेवा पेंशन बचाओ मंच जनपद इकाई के कर्मचारियों ने विकास भवन से चेतना तिराहे तक निकाला पद यात्रा। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी।